प्रिय दर्शकों नमस्कार। दिनांक 11 नवंबर सन 2022 का राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे दाहिनी तरफ सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें, पास में ही घंटी के बटन को दबाकर लाइक कर दें। उम्मीद है मेरे अनुरोध करते ही आपने सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया होगा। घंटी के बटन को दबाने से आपको ये फायदा मिलेगा कि मेरे आगामी समस्त वीडियो की सूचना आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाए। उन्हें आपका आभार, धन्यवाद। तो आइए अब बात करते हैं राशिफल पर। तो सबसे पहले आज का पंचांग। आज का पंचांग इस प्रकार है: माह मार्ग शीर्ष पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र मृगशिरा, योग शिव करण, वाणिज्य राशि वृषभ, सूर्योदय प्रातः 6:41, सूर्यास्त साय 5:31, चंद्रमा राशि वृषभ 6:16 तक, उसके पश्चात मिथुन राशि में, नक्षत्र मार्ग शीर्ष सूर्य तुला में, नक्षत्र विशाखा, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:50 से 5:48 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:27, राहु काल 10:48 से 12:10 और अशुभ काल प्रातः 8:50 से 9:33। मित्रों, राहु काल और अशुभ काल में कोई भी कार्य शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ये पंचांग था आज का। कर्क राशि, आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आइए देखते हैं। आज आप थोड़ा वास्तविक इमोशनल रहेंगे, जिसमें आपने पूर्व में जो भी गलतियां की थी या उन पर आप विचार करके भविष्य में आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे, जो आपको भविष्य में लाभ देगा। आज आप वैचारिक आधार पर थोड़ा सा अधिक चिंतित रहने वाले हैं, खुद ही प्रश्न करेंगे, खुद ही उत्तर देंगे। परिणामतः दूसरों के प्रति आप में गुस्सा व नफरत पैदा हो सकता है, इसलिए इस अति से बचें। मिलीजुली प्रतिक्रियाओं वाला दिन है आज आपके लिए। आप दूसरों पर अधिक उम्मीद न रखें, वरना आपको प्रतिकूल एडवाइज सुनने को मिल सकती है। आप वास्तविक सहयोगी या मित्र को पहचानने में गलती कर जाते हैं, कारण जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर देता है उसे आप अपना मित्र या सहयोगी मानने लगते हैं, जबकि वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है। अपनों की सलाह मानना आपको लाभकारी देगा, विशेषकर परिवार के बड़े और बुजुर्ग लोगों की सलाह मानकर यदि आप आज कोई कार्य करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। कैरियर के बारे में बात करें, चूंकि आप मुंह पर बोल देते हैं, बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, जिसके कारण आपके पीछे से बहुत से लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अपनी मन की बात थोड़ा सा बताना बंद कीजिए और आज तो आपको अपने मन की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करना है। जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए बता दूं, जो व्यापारी हैं उनको आज बहुत संतुलित व्यवहार करना चाहिए। किसी से थोड़ी तू-तू में हो सकती है, इसलिए कोई ऐसी घटना ना हो उससे बचें, सतर्क रहें। दाम्पत्य व लव लाइफ के बारे में बात करें, आज आप महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, प्यार की थोड़ी कमी महसूस करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा स्वस्थ चिंतन करेंगे तो आपको सभी चीजें ठीक दिखाई देने लगेंगी, ठीक महसूस होने लगेगा। इसलिए अपने मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में, अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक भाव न आने दें। छात्रों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। एकाग्र होकर आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आज आपको क्या करना चाहिए?
यदि आपके नज़दीक कोई हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो वहाँ जाकर जो गरीब मरीज हैं उन की दवाइयों पर आप जितना खर्च कर सकते हैं वो थोड़ा सा सहयोग, दवाइयों का सहयोग आप ऐसे मरीजों को ज़रूर दें जो गरीब हैं और दवाइयाँ खरीदने में समर्थ नहीं हैं।